चप्पू बेकरी। बेकरी नहीं आता, चप्पू बकरी लिखा है। मेरे को ना ये बे ए ले ये वे करके बात नहीं करने आती, इसलिए मैंने बेकरी नहीं, मैंने बकरी लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन है ये बेकरी। अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आज ही धंधा खोला है। 4-5 ऑर्डर आ गए केक के, हैप्पी बर्थडे के, वो भी इतनी दुनिया पैदा हो रही है। ये तो शुक्र है आप शो में बिजी हैं, वरना इतनी गर्मी है ना बाहर। हेलो। या केक नहीं पहुंचा, सॉरी मैं भूल गया हूँगा, वेरी बिजी शेड्यूल। या एक काम कर लो ना, आप फटाफट बना लो, 1/2 किलो मैदा लो, 4 अंडे लो। नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा 1/2 किलो मैदा और 4 अंडे, क्योंकि 4 मैदे और 1/2 किलो अंडे नहीं ले सकते आप। हाँ नहीं, आप खुद आ जाओ, डिलीवरी बॉय नहीं है, अरे उसकी डिलीवरी होने वाली, वो हॉस्पिटल में है। एक मिनट, क्विट। हेलो। या ओके, तमीज नाम की चीज कोई नहीं है, एक तो गाली दे रही, ऊपर से भाई भी नहीं बोला। क्या बात है, यार चप्पू शर्मा बेकरी खोल लिया तुमने, वाह। तो तेरे अकेले के लिए चिड़िया घर खोलूं, 4 हाथी और लेके आ। यार इस समय हाथी मिलेगा नहीं, काम करो ना, आपने जैसे 4-5 लंगूर और ले आओ, छोटा सा चिड़ियाघर खोल लो अभी। आया बड़ा भाई का छोटा भाई कहीं का, वैसे भी हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, ऑर्डर देने आए हैं। तू ऑर्डर देगा मेरे को ना, अभी मैं मुक्का मार के ना बड़ी बड़ी आंत तोड़ के ना उसके 2 पीस कर देगा मैं। ओह रंगीन तोते, थोड़ा सा कम बोलो, कहीं हम तुम्हारी गर्दन पर बैठ के तुम्हें आखिरी सांसें लेने पर मजबूर ना करते। वैसे भी आज हम झगड़े के मूड में हैं नहीं अर्चना जी। हाँ। आपको पता है टुडे हमारी और तितली की एनिवर्सरी है। वाह, तुम लोगों में भी होता है ये सब। तुम लोगों में तुम लोगों में होता है क्या, मतलब हम क्या कुछ जानवर हैं? मैं तो वैसे ही कंफर्म कर रहा था। वैसे कितने साल हो गए शादी को? 10। और भाभी के? भाभी का क्या है यार, हमारी बीवी है वो, उसके भी 10 ही होंगे ना। जरूरी नहीं है, मेरे चाचा की शादी को 30 साल हुए, मेरी चाची की शादी को 20 साल। ऐसा कैसे हो सकता है अर्चना जी, कैसे? चाचा की दूसरी शादी है ना। बेचारी चाची। नहीं नहीं उसकी तो 5वीं है। चलो यार अपनी फैमिली का ये चिट्ठा क्लोज करो तुम, और एक अच्छी सी केक दिखाओ यार, आज एनिवर्सरी के दिन हम केक काटेंगे। तू केक ना काट, तू अपना पेट काट। तेरे को पता, तेरे आने से पहले 10 मिनट पहले तेरा पेट पहुंच चुका था इधर। कैसी फालतू की बातें करते रहते हो यार। सोनी टीवी के इतना बड़े शो को तू फालतू बोल रहा है? वाह, उनकी बातें तेरे को फालतू लग रही है? नहीं, जिस शो के लिए स्पॉन्सर हरियाणा करनाल सोनीपत पानीपत पता नहीं कहां कहां से आ रहे, तेरे को फालतू लग रहा है? वाह, जिस शो को देख के सारा देश हंसता है, जिस शो को देख के सारा देश योगा करता है। तू योगा बीच में कहां से आ गया? योगा बीच में ही करना चाहिए, अच्छा लगता है, फोटो अच्छी आती है। यार देखो किलो के हिसाब से बकवास बातें करने वाले आदमी, एक 1/2 किलो को अच्छा सा केक दिखाओ हमें। शादी तेरे को 10 साल हो गए, केक तू 1/2 किलो काटेगा? तो शादी को कितने साल हुआ, उसका केक से क्या लेने देना है यार? एक मिनट, शादी के बाद जब तेरे को कोई पूछता है जीवन कैसा कट रहा है, तो तू बोलता है ना बस कट रहा है, तो जो कट रहा है वो केक ही होता है और कुछ नहीं है। हाँ बड़ा है। चलो यार एक केक निकालो अच्छा सा हमारे लिए। तेरे को 2 लगेंगे। एनिवर्सरी है, 2 लोग एक केक काटेंगे, 2 क्यों लगेंगे यार? एक बार बता, तेरी जब शादी हुई थी तेरे और तेरी बीवी के कपड़े एक ही थे? बता बता बता। नहीं अलग अलग थे। हाँ तो तेरी और मेरी बीवी की कुर्सी एक ही थी? एक क्यों होगी, 2 थी। उफ, तेरी और तेरी बीवी की वरमाला एक ही थी? नहीं 2 थी यार। जब सब कुछ 2 था तो एक केक के पैसे बचा के कौन सा तू टाटा बिरला बनने वाला झाड़िए? कैसे कैसे लोग आते ऐसी बातें क्यों करता है? एनिवर्सरी पे एक केक काटेंगे, मियां बीवी क्या
देखो यार, तुम केक हमें दिखाओ, हमें केक की फोटो भी लेनी है। यार एक काम करो, ये वाला ये केक दे दो और इस पर लिख दो हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे मना ले। हैं? एनिवर्सरी या बर्थडे क्यों मनाएंगे? एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती यार मेरे को। तो यार एक बात बताओ, क्या वैलेंटाइंस डे पे चिल्ड्रंस डे मना सकते हैं? कुछ लोग ऐसे नींव रख देते हैं, पोजेशन बाद में मिलता है। तुमने मनाया कभी वैलेंटाइन डे? नहीं नहीं यार, हम शादीशुदा मर्द हैं। शादीशुदा मर्द जो होते हैं वो साल के 365 डे सिर्फ एक चीज मनाते हैं, रूठी हुई बीवी। ये बात में सच्चाई है। चलो छोड़ो यार, फोटो वोटो लेना नहीं है। ये केक को लॉक करो, इसके ऊपर एनिवर्सरी लिख देना और मोमबत्ती साथ में दे देना बस। सरकार जगह जगह बिजली पहुंचा रही है, तेरे को मोमबत्ती चाहिए? पिछड़ा हुआ इंसान कहेगा। अरे केक पे मोमबत्ती लगा के जलाएंगे यार। अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से केक बनाया, तू जलाएगा इसको? ए, 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 मानव प्रजाति के अद्भुत आदमी, अजीब हो यार। केक के ऊपर कैंडल लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे, जलाएंगे, फिर फूंक करके बुझाएंगे। ए, दिमाग खराब इसका? और जब मोमबत्ती बुझानी है तो इसको जलाना क्यों तूने? यार हम जलाएं, हम बुझाएं, तुम्हारी माचिस क्यों जल रही है? हमारी मर्जी, हम जो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी के चलते 11 बच्चे हो गए, और कितनी मर्जी चलाएगा तू? पेट अंदर कर, तेरी बीवी को ना हगडे मनाने में थोड़ा इजी होएगा। ए, हमारी बीवी को छोड़ो। एनिवर्सरी वाले दिन कैसी बातें कर रखा था, बीवी को छोड़ो, तू मरेगा। यार आज थोड़ा हम ना पार्टी की तैयारियों में बिजी हैं, फ्री होते ना तो बताते तुम्हें हम। इलेक्शन कब के हो गए, जिन्होंने जीतना जीत लिया, तू कौन सी तैयारी कर रहा है? तू नहीं जीतेगा, तू लड़ ले जो चुनाव लड़ना, लड़ ले तुम चुनाव। दही बड़े के सूखे हुए मेवे, हम कोई चुनाव उनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे ना तो दंगल लड़ेंगे, और वो भी तुम्हारे साथ। यहाँ तू लड़ ही नहीं सकता, तेरे साइज का लंगोटी नहीं मिलेगा। तो ना हम कच्छा पहन के लड़ेंगे, और कच्छा नहीं मिलेगा ना तो तिरपाल पहन के लड़ेंगे, वो भी नहीं मिलेगा, पत्ते पहन के लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। हम बकरी छोड़ देंगे तब कैसे लड़ेंगे तुम? ऐसा धोबी पछाड़ देंगे ना तुम्हें कि दोनों भाई ये बकवास करना भूल जाओगे। हम थोड़े बिजी हैं, अभी थोड़ी देर के लिए अंदर जा रहे हैं, 10 मिनट में वापस आएंगे। हमारी केक पे सब लिख के कैंडल लगा के तैयार रखना। आई बात समझ में? ए, 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 आ रहे हैं। धमकी तो ऐसे दे गए जैसे मैं डर गया हूं। आपके पास कोई स्पेयर पेंट है? क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वाली थोड़ी गीली होगी। डरा नहीं। धमकी देके जाते बदतमीज। हेलो चप्पू बेकरी वाले, मैंने सुबह में केक ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया, स्टूपिड इडियट कहीं गए। स्किन तो देखो कितनी ग्लो कर रही है। थैंक यू, मैं सुबह सुबह रोज योगा करती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, लड़कियों को भूल जाती करने के आई। वैसे आरना आज भी 20 की लगती है। आपको कैसे पता? क्योंकि 20 से ज्यादा होती नहीं लड़कियां। 10-10 साल 20 की रहती हैं। कुछ तो मैंने ऐसी भी देखी है जो 50 की होकर भी 20-20 खेल रही होती है। ए, बकवास मत करो, मेरा केक कहाँ है? ये लो। ये क्या है? मैंने बोला था ना मुझे 3 स्टोरी का केक चाहिए। स्टोरी तो मैडम आजकल फिल्मों में नहीं मिल रही है, ये केक में मांग रही है। कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? काम की बात को तूने सुनी? सरकार कब से कह रही है बच्चे दो ही अच्छे, तेरे मेरे एक भी नहीं है, माने सरकार की बात? जस्ट शट अप, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बेकरी खोलने का कोई एक्सपीरियंस है। क्या बात कर रही हो, खोलने का तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस है ना, बैंक 10 बजे खोलते हैं, मैंने रात को 1:30 बजे खोल दिया था। व्हाट नॉनसेंस! इसी नॉनसेंस की वजह से बड़े बड़े लोगों के घर चल रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हो तुम? बकवास बंद करो, मुझे बताओ ये केक कौन सा है? ये वाला केक? हाँ। ये लंगड़ा केक। अरे केक लंगड़ा कैसे हो सकता है? आम लंगड़ा हो सकता है, केक नहीं लंगड़ा हो सकता। अरे पर आम अलग होता है, केक अलग होता है ना? कैसे अलग होता है, मेरे को समझाएंगी? अलग होता है, अलग होता है। एक तो मेरा बार बार पल्लू गिर रहा है ना, मैं बता देता हूँ तुम्हें। केक भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है, केक भी काट के खाते हैं, आम भी काट के खाते हैं, केक भी मैंगो फ्लेवर है। हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? यार तुम बकवास बंद करो, तुम मुझे बताओ मेरा केक रेडी है या नहीं? हो रहा है। ये बताओ मेरे को केक पे नाम क्या लिखना है? शोना। वाओ बॉयफ्रेंड से इतना प्यार। एक्सक्यूज मी, शोना मेरी डॉगी का नाम है। ओ। और मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये मुझे आप बता रही हो कि मेरे को सिग्नल दे रही हो?
वैसे कुत्ते का बर्थडे कौन मनाता है? मैं मनाती हूँ, हर साल मनाती हूँ। मेरा सोनम बहुत वफादार है। ऐसे गोद में उठा के किसी को करोगे ना, कोई भी वफादारी करेगा। मेरे को उठा लो। ओनली 65। व्हाट? जस्ट शट अप। चप्पल उतार के 64.5। ये क्या बकवास कर रहे हो? डंगरी उतार के 62। छी 60 नहीं मैंने बताना। यार तू मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मेरा केक दो। यार तू नाराज होगी, ये लो केक, ये लो, तैयार है, ये लो। पर इस पे तो रमेश लिखा है। रमेश को मैं दूसरा दे दूंगा, आप ले लो ना। अरे नहीं, मुझे मेरे कुत्ते का नाम चाहिए। रमेश की हालत देखोगी ना, घर में कुत्ते जैसी है। यार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा केक कहाँ कहाँ जाता है? हमारे यहाँ से तो सीधा मुंह में जाता है, आगे हमें पता नहीं कहाँ जाता है। अरे झूठ क्यों बोला, जब नहीं पता तो नहीं पता। मेरा पूछने का मतलब है किसी बड़े के यहाँ जाता है। क्या बात करनी है? किसके घर? अर्चना जी के घर भेजा हमने। इनका मुंह पता कितना बड़ा है, अपनी जीभ से ना जूड़े की पिन निकाल लेती है ये। देखो तुम बकवास मत करो, मैं जा रही हूँ कहीं और से लेने केक। तेरे लड़कियों के पास कहीं और की ऑप्शन बड़ी होती है। अभी केक ले लो, इस पे ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? खुला ऑफर, पहले डिनर करना है कि पहले फिल्म देखने जाना है? अबे ओ केक पे ऑफर पूछ रहे हो? केक पे एक फ्री है। आप किसी डॉक्टर को जानती हैं? हाँ, पर डॉक्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? एक केक जो है थोड़ा 3 महीने पुराना है। क्या तुम्हारे यहाँ से कोई केक भी खरीदता है? इतने बासी केक बेच रहे हो। क्या बात कर रही है आप? ऑनलाइन रिव्यू देखो मेरे केक की, ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो बुराई है। हम नहीं किसी का बुरा मानते, स्टे पॉजिटिव। बुरा मानो, 4 दिन की जिंदगी, उसमें बुरा क्या मानना। ये देखो तुम, थम्स देखो कैसे लोगों ने लाइक किया है। अरे लाइक ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे किया है इन लोगों ने। इसको ऐसे कर लो, थोड़ी सी मेहनत लगती है। आलसी हो रही है लड़कियाँ, बड़े नखरे कर रही है। अर्चना जी आप खाएंगी केक? अरे नहीं नहीं, उनको कुछ हो जाएगा तो, इतना बासी केक है। तुम्हारा क्या मतलब है केक खा के खराब हो जाएंगे? मतलब हमारे यहाँ के जो कॉकरोच है, शिपकलियाँ, ये सब क्या इंसान नहीं है? इनको तो कुछ नहीं होता, खाते हैं रोज। हाँ ये केक खाते हैं तो? तुम्हारी किसी ने शिकायत नहीं की आज तक? मेरी कोई शिकायत क्यों करेगा? ये देखो एक सेकंड, ये तो कुछ भी नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। 4 दिन पहले इसने हमारा केक खाया था, कोई कंप्लेंट नहीं, इतने मजे से सो रहा है। इसकी तो सांस भी नहीं चल रही, फिर भी नहीं कंप्लेंट की इसने। चले 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 चले, बाहर नहीं आना। उफ ये पल्लू, ये केक देख लो, ये वाला देख लो, ये देखो। नहीं इसमें मक्खियां बैठी हैं। छोटे लोगों को बैठे रहना चाहिए, ज्यादा उड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा तुम बताओ ये व्हाइट वाला केक कौन सा है? ये वाला, ये हाँ। फ्रेश है, हमने आज ही बनाया, लेकिन ये बिक चुका है। अरे मुझे यही केक चाहिए, तुम दूसरे बना लेना उसके लिए। 10,000? इतना महंगा केक, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैडम ये तो फिर भी केक है, स्वाद है। 1 घंटे बाद सोनी चैनल को पता चलेगा महंगा कौन पड़ा केक के। आप ये तो हमारे शो में सुंदर लड़कियां नहीं, नहीं तो इनको बुलाना पड़ता है फालतू में। पता नहीं हमारी किस्मत ही ऐसी है, जो मैक्सिमम सुंदर है ना इस जगह पे वो अर्चना जी हैं। आगे आप खुद हिसाब लगा लो। देखो व्हाइट बॉल, बकवास मत करो। शट अप, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तुम्हें अपनी बकवास पड़ी है। तीसरी बॉल ये लो तुम, 1,000 रुपए और जल्दी से केक पैक करो। केक आपका, मैं भी चलूंगा 1,000 रुपए में तो। ये तो हमें पैक करो जल्दी। कर देता हूँ पैक। यार इतना क्यों भड़क रही है, तोती कहीं की। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, कितने हम ला रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना, तो फिर तैयार है हमारा केक। हमारा केक है? ये हमारा केक है? नहीं मुझे पसंद आ गया। पसंद तो हमें करीना कपूर भी आ गए, लेकिन सैफ माना क्या? पसंद आने से कुछ नहीं होता है, हमने इस केक को लॉक किया है, अप्रूवल भी लिया है तितली से हमने। लेकिन ये इस केक के लिए 1,000 रुपए दे रही है। हाँ तो हम 2,000 देंगे। मैं 3,000 दूंगी। हम 4,000 देंगे। हम 5,000 देंगे। लॉक 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 हो गया, लॉक हो गया। 5,000 डन, 5,000 डन। अरे, 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 अरे लेकिन लेकिन अभी बोनी खत्म कहाँ हुई है? अरे बोनी का, बोनी बोनी का कुछ नहीं, हमारा वो जॉगिंग का टाइम हो रहा है। अरे ये कौन सा टाइम है जॉगिंग का? अरे हम जो टाइम के हिसाब से देखते हैं, पुलिस के हिसाब से देखते हैं। पुलिस आ गई तो निकलना पड़ेगा ना। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी पुलिस? पुलिस मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ेगी? किसी और की दुकान बिना पूछे खोलोगे तो पुलिस पीछे नहीं पड़ेगी। अरे पहले एक सेल्फी ले लेते, फटाफट आ जाओ सेल्फी। अरे
लेकिन हमारे साथ सेल्फी क्यों ले रहे हो? हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। अरे पुलिस को बताना पड़ेगा ना गिरोह में कितने लोग थे, अकेला क्यों डंडे खाऊंगा मैं? इधर आओ। नहीं नहीं, अरे मिल बांट के डंडे खाएंगे तो तेरे को तो मौत मर जाएगा, तेरा एरिया ज्यादा है। अरे क्या कर रहे हो, हम नहीं है। अरे नहीं नहीं, अरे यार ये तो सच में पुलिस आ गई। चप्पू शर्मा जी, इधर शास्त्री नगर किधर पड़ता है? ये चोरी करते हो, तुझे शर्म ना आती? पूरे कपड़े क्यों पहने हुए, इसीलिए कि शर्म ना आए? तो उसमें क्या है चोरी? देखो देखो, जो भी आया यार वो करते रहो, ये केक हमारी है। ये केक हमारा है। मेरा केक हम काटेंगे। अरे वो मैडम, केक तुम बाद में काटना, पहले जेल में जाके ना हवालात काटो। चलो। वाह वाह, महाराष्ट्र में हरियाणा पुलिस का एक्सेंट। हेलो, महकमे में ना ट्रांसफर नाम की भी कोई चीज होती है। आपको जॉगर्स नहीं? महकमे ने दिए नहीं, आई दिए हुए। तो इनकेस आपको भागना पड़े तो? मैं क्यों भागूंगा? क्योंकि मैं भाग रहा हूँ ना। Wait!